नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। मेरा नाम है अमजद और आज मैं आया हूँ नौगांव में और मैं आया हूँ अरशद एग्रीकल्चर वर्क्स के अंदर। यहाँ पे थ्रेसर बनाने का काफ़ी बड़ा कारखाना, ये जो थ्रेसर देख रहे हैं ये यहीं पे बनाई गई है। तो हम बात करेंगे ये जो थ्रेसर है इसके अंदर कौन सी चदर लगाई है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई है, कौन सा गेयर बक्सा लगाया, कौन सा हेड लगाया है, यही सारी बातें हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और हमसे मिलेंगे जो अरशद एग्रीकल्चर्स के जो मालिक है वो हमसे मिलेंगे और ये जो थ्रेसर है इसके बारे में बताएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अरशद एग्रीकल्चर्स के मालिक जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अपना परिचय दीजिए हमारे किसान भाइयों को, क्या नाम पड़ता है अपना और क्या फर्म का नाम है, कितने सालों से आप किसानों के लिए मशीन बना रहे हैं। अरशद मेरा नाम है, मेरे नाम से मेरी फर्म है जी, अरशद एग्रीकल्चर वर्क्स नौगांव अलवर राजस्थान। ये कृषि विज्ञान केंद्र के सामने है, कृषि विज्ञान के बिल्कुल जस्ट सामने सामने पड़ता है। तो एड्रेस आपने देख लिया। आप ये जो थ्रेसर है ये मैंने अलग ही थ्रेसर देखी है, इस थ्रेसर के बारे में बताइए। ये मॉडल मैंने कहीं नहीं देखा, जो मॉडल आपने बना के दिया है किसानों को, और ये ऑर्डर पे होगा, ये ऑर्डर पे बनाया है, चित्तौड़गढ़ जानी है, ये चित्तौड़गढ़ जाएगी। तो चित्तौड़गढ़ के किसान ने ये बनवाई है। हम सबसे पहले इसकी बात करेंगे, इसका जो बेस है और वो है इसका चेचिस। तो ये किस चीज़ का बनाया है आपने? विजाक का है इसका जो चेचिस है। इसमें जो आपने व्हील लगाया है वो कौन सा है? एमएस का व्हील है। एमएस का कितने केजी का है? 215 केजी का है, बहुत बड़ा व्हील है। बैलेंस जो है इसमें जो शाफ्ट लगाई है वो 85 mm है, 85 mm की शाफ्ट है, आज तक किसी भी मैंने थ्रेसर मशीन में नहीं देखी है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके और फीचरों की, तो आप बने रहिए। हम बात करेंगे इसके पीछे के जो हेड है उसकी बात करेंगे, उसके बाद में हम आगे आएंगे। ये जो हेड है इसके बारे में अरशद बताइएगा, ये हेड मैंने कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा हेड, और वो भी इसमें साइड में आपने ये क्या लगा रखे हैं? ये 14-16-18 का हेड है, खड़े बेलन में है। खड़े बेलन में, इसको सेंसर वाला भी बोलते हैं। सेंसर वाला बोलते हैं, सेंसर वाला भी बोलते हैं, खड़े बेलन में है। आपको सिर्फ इसमें पटकना है या अपने आप खींचेगा? अपने आप खींचेगा। कितने ज्वाइंट में आपने इसको बनाया है? ये 5 ज्वाइंट है, 5 ज्वाइंट के अंदर है और मनोरपुरा के ज्वाइंट है। आप देख रहे हैं इसके अंदर ट्विंकल का गेयर बक्सा आपने लगाया है। इसकी वारंटी है? हाँ, वारंटी 1 साल की, 1 साल की वारंटी है। अब आप इसका जो आपने इसमें नई टेक्नोलॉजी लगाई है उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। ये वाला, ये टेक्नोलॉजी क्या लगाई है आपने? ये डबल एलिवेटर, इसके अंदर डबल एलिवेटर है। ये क्या काम करता है? ये यहाँ से डोंडली आएगी, उसको उठाकर ऊपर कवर करेगा और ये ड्रम में डालेगा। ड्रम में डाल देगा अंदर परली साइड को और साफ करके फिर नीचे आ जाएगा। साफ करके नीचे आ जाएगा। इसमें हमने यहाँ पे लोग बाग चादर लगाते हैं बस खाली, क्योंकि हवा यहाँ तक मार नहीं करती जी, वो तो यहाँ तक ही मार करेगी। हम इसमें ऐसे पत्तियां क्रॉसिंग कर करके यहाँ तक, जो कि डोंडलियों को यहाँ से कचरे को साथ लेके चलेगी। हाँ, साथ लेके चलेगी अंदर। ऐसे यहाँ से फोल्डिंग है, ये बोल्ट खोला ओपन हो जाएगा जी। और ये 4 फैन है? हाँ, ये 4 फैन है, चुस्की मॉडल, चुस्की मॉडल है। मैं आपको 4 फैन बताता हूँ। तो ये एक पंखा है जो कि फिल्टर अनाज को साफ करता है, ये चुस्की वाला है जो कि डोंडलियों को खींचता है, ये भूसा फेंकने का है, 2 हैं। और ये कितने कितने इंची के हैं? ये 9.5 इंची के, 9.5 इंची के हैं। तो ये 4 फैन मॉडल है, इससे बड़ा मॉडल नहीं आता है। इससे बड़ा मॉडल नहीं आता है। सारी टेक्नोलॉजी इस मशीन के अंदर है, इस मशीन के अंदर है सारी टेक्नोलॉजी। राजस्थान की प्रसिद्ध थ्रेसर मशीन जिसको हम कहते हैं वो ये है। हर खूबी और खासियत इसके अंदर आपको मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी किसी ने नहीं लगाई अभी तक, अरशद ने ही लगाई है। तो अरशद, ये जो मशीन है कितने क्विंटल की बैठती है? ये 32 क्विंटल बैठ, इसके अंदर 32 क्विंटल की बैठती इसमें है। 42 का ड्रम है, 42 का आप ड्रम देख रहे हैं, 32 क्विंटल की बैठती है, काफी हैवी मशीन है। हाँ, गीले माल के लिए अलग पार्टीशन लगा रखा है इसके अंदर, गीले माल के लिए अलग से पार्टीशन लगा रखा है जिससे कि गीला माल बाहर आसानी से निकल जाता। सारी खूबियां इस मशीन के अंदर है। कहने का मतलब ये, अमजद भाई आपने भी काफी मशीनों की वीडियो बनाई होगी लेकिन ऐसी मशीन आपने अभी तक नहीं डाली होगी, सच बताना। नहीं डाली है, हकीकत बात है, बिल्कुल नहीं डाली है। इस मशीन में वो खूबियां है, सेंसर इसमें है जो कि खड़ा बेलन है, उसके बाद में डबल एलिवेटर है, एक एलिवेटर ये एक हमने आपको पीछे दिखाया, इससे बड़ी मशीन नहीं आती है। और ये मनोरपुरा को भी फैल करती है ये जो मशीन है, क्योंकि इस तरीके की मशीन आपको
कहीं पे भी मेरे चैनल पे तो मैंने दिखाई नहीं है अभी तक, और ये पहली बार मैं इस मशीन को दिखा रहा हूँ। तो आप इस मशीन को देखकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये जो मशीन है कितनी लंबाई रखी है आपने इसकी? इसकी लंबाई सापट की 131 इंच। 131 इंच, इसलिए इसमें 85 mm की सापट लगाई है क्योंकि इस पूरा लंबा बेस हो गया, लंबा हो गया एकदम। हाँ, इसलिए मोटी सापट लगाई इसके, मोटी सापट लगाई है। तो टोटल लंबाई कितनी बैठ जाती लंबाई है? लंबाई इसकी मानो आप लमसम 23 फुट। 23 फुट है कम से कम। इतनी लंबी मशीन भी मैंने पहले कभी नहीं देखी। 23 फुट, 18-19 की मैंने जरूर देखी है, लेकिन 23 फुट बहुत लंबी मशीन है। और निकासी कैसी आती होगी? निकासी एक नंबर आएगी, एक नंबर। हाँ, निकासी एक नंबर काम करती है मशीनें। दाना वगैरह फोड़ने की कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं। दाना उठाने की कोई शिकायत नहीं? जीरो वाइब्रेशन है? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमने इसमें कंट्रोल लगा रखा है। अगर मान लो हवा नजदीक लाओ कैमरे को, अगर मान लो चुस्की मॉडल वाला जो चुस्की मॉडल इसमें लगा है, इसके अंदर मान लो अगर डूंडली के साथ घुस को उसको ले जाता है अनाज को, तो हमने इसमें ये लगा दिया, इसको आप यहाँ से लॉक कर दो जी, कंट्रोल लगा दे यहाँ पे जी, उतना ही जहाँ पे कसोगे उतना ही काम करेगा, उतना ही काम करेगा। हाँ, सारी खूबियाँ इसके अंदर जी। तो ये है मशीन, अगर ये मशीन बनवानी है तो आपको आना अरशद एग्रीकल्चर वर्क्स नौगावा के अंदर, जो कि अरशद जी के नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे। इस तरह की मशीन, ये हर मॉडल की मशीन बनाते हैं, कोई भी मॉडल आप बनवा सकते हैं इनसे। अरशद भाई, ये वाली मशीन है, इसके बारे में भी बताइए, ये कौन सी मशीन है? ये मशीन 40 के पेटी में है जी। 14-16-18 का इसमें हेड है जी, और इसमें सिंगल एलिवेटर है जी। 3 फैन मॉडल है। 3 फैन मॉडल है। कितने क्विंटल की बैठती है ये? 29 क्विंटल। 29 क्विंटल की लंबाई क्या हो जाती है? लंबाई इसकी 20 फुट का लमसम। 20 फुट के लमसम। हाँ। तो किसान को कितने की पड़ेगी ये मशीन? 2,85,000 रुपये की पड़ेगी। 2,85 की। तो ये चैनल में है? हाँ, चैनल में है। और ये ऊपर के भूसा फेंकने के हैं? हाँ, ये 9.5 इंची के। हाँ, 9.5 इंची के। तो अगर कोई किसान यहाँ पे आता है तो मशीन का ऑर्डर किस तरीके से लगा सकता है? अगर कोई आपके चैनल के माध्यम से आता है तो उसके लिए 5,000 रुपये अमजद भाई लेस, पहली बार 5,000 रुपये लेस हो जाएंगे किसान भाइयों। तो ये थ्रेसर, ये मॉडल बनवाना हो तो ये बनवा सकते हैं, वो वाला मॉडल बनवाना हो तो वो बनवा सकते हैं। तो अरशद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों के लिए? किसान भाइयों को यही कहना है, मेरा तो पहले भी वीडियो बनाई थी उसमें भी यही कहना था, माल को अच्छा देख कर लें, 2-4 हज़ार के लालच में मत जाएं, सोचते हैं वहाँ पे मंदी मिल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा नहीं है जी। मशीन लें, अच्छा माल लें देख कर, सारा टाटा स्टील का माल है, विजय का जोड़ा लगा हुआ है सब कुछ। ये मानो अमजद भाई, आपने भी काफ़ी वीडियो बनाई है, ये मशीन मेरे हिसाब से तो ये टेक्नोलॉजी कहीं पर भी नहीं मिली है। आप इसकी कीमत बताइए किसानों के लिए? इसकी 3,40,000 में बुक की है। 3,40,000 रुपये। बंदे ने मुझसे 1 रुपये नहीं छुड़ाया, उसने बोला मशीन में जितनी सिफ्टें सारी पैदा कर दे जी, रुपये मुँह मांगे दूंगा। तो 3,40,000 रुपये में मशीन बनी है, आप भी बनवा सकते हैं। मैंने जैसे बताया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी मशीन मैंने पहले कभी नहीं दिखाई है, पहली बार दिखा रहा हूँ। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।